शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज हमारी बातचीत होगी हमारे इंडिया के विजिट के हवाले से कि भारत की इंटरनेशनल स्टेज पर राहें किधर को जा रही हैं इन्हीं दिनों पाकिस्तान की नई सरकार बन गई है क्या पाकिस्तान की पी टू सरकार चल पाएगी इसके अलावा हम बातचीत करेंगे ट्रंप के सुपर ट्यूजडे की जीत के हवाले से आखिर में इन्हीं दो मौजूद पर आपसे राय लेंगे जिस पर पूरी दुनिया का मीडिया रोज नित नएसरे कर रहा है मेरी मुराद है हमास की की जंग जंग और रूस यूक्रेन के हवाले से तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं इंडिया के विजिट के हवाले से कि हमने बतौर जर्नलिस्ट भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर किस तरफ जाते महसूस किया पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी और बीच बीच में अपनी राय का इजहार करूंगी तो आप इस फैले हुए इतने बड़े मौजू को कहाँ से शुरू करना पसंद करेंगे देखिए आपने और मैंने रिसेंटली आलमोस्ट टू वीक्स का भारत का विज़िट किया और हमें हर साल मौका मिलता है हम भारत जाते हैं और इतफ़ाक़ की बात यह है कि इन्हीं दिनों में फेबररी के दिनों में जाते हैं पिछले बरस मुझे याद है जी ट्वेंटी का था भारत में समा इस बरस भारत में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसका भी समा है आ, लेकिन वाज तौर पर दिख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रियल होंगे वो तो खैर अपनी जगह पे एक मामला है इसके साथ साथ जो भारत में मुझे महसूस हुआ आपने इंटरनेशनल स्टेज की जो बात की तो वहाँ पे रायसीना डायलॉग भी चल रहा था आ, वो हमने उसकी खबरें भी देखी थी ख़ुद तो आप और मैं बिज़ी थे आ, उसमें वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में वो भी एक बड़ा कार्यक्रम था आ, लेकिन जो हमने वहाँ पे गलियों सड़कों महल्लों पे लोगों की एक फीलिंग देखी वो भारत के इलेक्शन के हवाले से आ, सिर्फ नहीं है इसलिए कि वो तो लोगों को देख ही रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एलेक्ट होंगे भारत जो आगे जा रहा है आ, जैसे भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी आ, जिस तरह दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की इम्पोर्टेंस क्या है और भारत वर्ल्ड स्टेज पे कैसा अपना किरदार अदा कर रहा है वो भी बड़ा इम्पॉटेंट है मुझे तो जो वहाँ पे दिल्ली गुड़गांव या हम अयोध्या गए तो वहाँ पे जो जनता की जो एक फीलिंग है जनता का जो एक वहाँ पे है एक फ़र्क नज़र आया जैसे जनता बड़ी अपलिफ्ट है जनता को महसूस हो रहा है कि हम दुनिया में बहुत मैटर करते हैं कनेक्टिविटी मुझे लगा बहुत सारी कनेक्टिविटी है यानी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट और इंटरनेशनल सेंसिबिलिटीज के साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप देखिए कॉन्फ्रेंस में जो बच्चे थे स्टूडेंट्स जो कि आगे जाएंगे तो आगे जाके कोई बिजनेस में चला जाएगा कोई मीडिया में चला जाएगा कोई एडवर्टीजमेंट में चला जाएगा वो सब बहुत होनहार बच्चे थे और मैं बहुत हैरान हुई कि उनको इंटरनेशनल मौजूद के ऊपर इतनी कमांड थी कि हैरान कौन बात थी नहीं नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत में मुझे हर लेवल पे जैसे ये हम जिन स्टूडेंट्स मिले ज़्यादातर एमबीए के स्टूडेंट्स थे आ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में बड़ा किरदार अदा किया आपने ठीक कहा कि कुछ बिज़नेस पीपल बनेंगे कुछ ब्यूरोसी में जाएंगे कुछ आर्मी में जाएंगे कुछ आ, डिप्लोमेसी में जाएंगे हर शोबे में जाएंगे ये लोग तो इनको भी एक एहसास हो रहा है कि हम एक नए भारत के लो, आ, लोग हाँ लोग हैं अब नया भारत क्या है जो इस बार मुझे शिद्दत से महसूस हुआ चूंकि पिछले साल जी ट्वेंटी का था तो जी ट्वेंटी की सेलिब्रेशन थी वो गुज़र गया साल भी गुज़र गया वो सेलिब्रेशन भी गुजर गई तो अब जनता को महसूस होता है कि भाई अब हम समवेयर हैं मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपसे हर बार वहाँ पे भी कहता हूँ कि इवन दिल्ली के सड़कों पे गुड़गांव में इवन योधिया में हमें वो जो मांगने वाले हैं उनकी तादाद कम नज़र आई बहुत कम तो या जैसे लोग सेटल हो रहे हैं मैं देखिए कनाडा में अमेरिका में यूरोप में भी मांगने वाले होते हैं आ, और वो सेटल कभी भी नहीं होते उनका एक स्टाइल होता है लाइफ स्टाइल होता है या उनकी अपनी लाइफ की, की स्ट्रगल होती है लेकिन भारत में ये नंबर्स गिर रहे हैं इसका मतलब ये है कि भारत में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लोगों को मिल रही हैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन दोस्तों से मुलाकात हुई भारत में Uh, जिनका अब ये ख्याल है कि भैया अब कैनेडा में अमेरिका में उनके पास कैनेडा की अमेरिका की शहरीत है वो ये कहते हैं कि अब हमें भारत में बिज़नेस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ये कोई नई बात नहीं है भारत में ऐसी फीलिंग कई सालों से चल रही है मगर अब वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जो ख़ास तौर पर हम अयोध्या गए वहाँ पर जो आ, राम जी के दर पर हाजि थी आ, उनका मैं तो समझता हूँ एक तरह से बुलावा था कि इतने लाखों लोगों में हमें ये मौका मिला चूंकि लाखों लोग डेली जा रहे हैं वैसे तो मिलियंस एंड मिलियंस लोगों में हमें ये मौका मिला हमारी खुशकस्मती है लेकिन डेली के बेस पे जो चार पाँच लाख लोग जा रहे हैं अयोध्या आजकल तो उनमें हमें मौक़ा मिला कि हम करीब से राम जी का दर्शन करें तो वो शहर वेटिकन शहर बन रहा है आ, और उसमें कितनी रौनकें हैं तो ये एक ओवरऑल नए भारत का एक मुझे लग रहा है एक नया वहाँ पे छवि बन रहा है असल में भारत की खूबसूरती ये है कि उसमें अपनी डीप कल्चर वैल्यूज़ के साथ साथ न्यू वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया है और मेरा ख़्याल है कि वहाँ बिजनेस एक्टिविटी नो डाउट बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी शामिल है और जहाँ तक लेयर्स ऑफ सोसाइटी का ताल्लुक है मैं हमेशा से कहती हूँ पहले दिन से जब हमने विज़िट किया कि गुरबत भी है सब कुछ है जो हर माशरे का हिस्सा होते हैं लेकिन लोगों की सेंसिबिलिटीज़ ने उन्हें एक ख़ास तरह के ये मैं समझती हूँ ये एक बहुत पूरी डोमिनट चीज़ है कि गुरबत के बावजूद लोगों के अंदर सब्र बहुत है और अपना अपना सिस्टम है यानी स्ट्रीट लाइफ का अपना एक सिस्टम है चूल्हे जले हुए हैं लोग खा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएं तो और कॉन्सेप्ट है फिर अब आप, आप लग्जरीज की तरफ चले जाएं तो एक्स्ट्रॉर्डनरीज लग्जरीज हैं यानी हर फोल्ड ऑफ सोसाइटी अपने अपने सिस्टम के अंदर काम कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है ये बड़ी आपने अहम इसमें बात की कि जो मुझे भी भारत में जनता के अंदर गलियों में सड़कों के अंदर जो कंटेंटनेस का एक रवैया है वो बड़ा नजर आया कि लोग अपने हाल में मस्त हैं और खुशकस्मत हैं आ, किसी ने कहा था किसी राइटर ने गबन वासफ अली वासफ़ का एक जुमला है अच्छा जुमला है कि खुशकस्मत वो है जो अपनी किस्मत पे खुश हो तो वो जो कंटेंटनेस है वो वो नजर आई स्ट्रगल भी उसके साथ चल रही है आगे बढ़ने का जज्बा भी चल रहा है और लोग कंटेंट हैं कि भाई जो कुछ है वो ठीक है हमें इन हालात के साथ उसमें उस वो हर लेयर में मुझे लगा बहुत फास्ट स्पीड लेन भी है इसमें कोई शक नहीं उसमें प्रॉब्लम भी उसी तरह के हैं लेकिन बहुत लो स्केल के ऊपर भी एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिबिलिटी है जिसमें लोगों को पता है कि हमने स्ट्रगल करनी है और हमने अपनी लाइफ को जीना है आ, और देखिए मैं अगर समअप करूं इस पूरे विजिट में जैसे हमने अयोध्या का विजिट किया ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए लैंडमार्क था एक बहुत बड़ी मैं समझता तो, हूँ खुशकस्मती थी कि हमें ये मौका मिला आ, राम जी के दर पे हाज़िर होने का ये एक हमारे विज़िट का एक इम्पॉर्टेंट था जो फिर हमने आ, सड़कों गलियों पे भारत को इस साल महसूस किया दो वीक्स के दौरान आ, भारत की राजधानी दिल्ली में ख़ासतौर पर ज़्यादातर हम वही रहे तो वो इलेक्शन का समा होने के बावजूद इलेक्शन की मुझे कोई बहुत गहमा गहमी महसूस नहीं हुई क्योंकि लोगों को जैसे एहसास है कि री होने जा रहे हैं मोदी जी तो वो मतलब हो ना कि कोई नई पार्टी में आना हो तो वो मेजोरिटी लगता यही है कि मोदी जी के साथ है और कुछ ये भी है कि मुझे लगता है कि हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में इतना मगन है जी यानी अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ लोग इतने बिजी हैं कि वो सोसाइटीज जिनमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन um, uh, और बहुत ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन्स uh, होती हैं उसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़े सारा फ्लॉज आ गए हैं रुक गया है सिस्टम वहाँ लगता है जैसे सिस्टम चल रहा है इसलिए नो बडी इज़ दैट मच बॉडर्ड कि ठीक है सिस्टम तो चल रहा है ना और फिर इन्हीं दिनों जब हम वहाँ पे थे तो एक हफ्ता हमने भारतीय प्रेस में अंबानी फैमिली की शादी की जो प्री वेडिंग तैयारियाँ तो हैं शादी तो बताया जा रहा है अभी कुछ महीनों बाद होनी है तो वो भी नज़र आई अच्छा उसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी अभी तो हम दो दिन बल्कि एक दिन हुआ है वहाँ से लौटे हैं दो दिन भी नहीं एक ही दिन हुआ है वहाँ से लौटे हैं तो आ, अभी भी वो ख़बरें चल रही हैं तो इतने बड़े बड़े नाम दुनिया के सोशल मीडिया के जॉन्ट्स दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखिए ना सोशल मीडिया में मेटा के माल मालक दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स तकरीबन तमाम बड़े बड़े लोग, लोग बिल गेट्स सब मौजूद सारे मौजूद थे तो वो शादी जो अभी तो होनी है अभी तो उसकी प्री वेडिंग तैयारियां हैं वो सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अम्बानी फैमिली का मामला नहीं है वो पूरे भारत का मामला है कि मतलब उसमें अम्बानी फैमिली ने बुलाया दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को बड़े बड़े लोगों को तो सब पहुँचे तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्सनल फैमिली का मामला नहीं है एक कल्चरल एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन है और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके बेटे और बहू ने जिस सिटी को जामनगर को उन्होंने अपना प्रोजेक्ट के तौर पर ये सबसे बहुत जो बात मुझे बहुत पसंद आई इस तमाम जो मेरे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही कि ठीक है बहुत सारे उस उन तमाम उसके बावजूद उन्होंने उस सिटी का प्रोजेक्ट लिया और फिर उसने एडमिट भी किया उसने कहा हाँ थोड़ा सा महंगा है लेकिन आप ये बताइए आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट इसको हमने किया है इस पर हमने काम किया है ये आपको ये बात बहुत ये सोच बहुत अहम है मेरा ख्याल है तो भारत इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पे जो आपका बुनियादी सवाल था हमें जहाँ पे हार्ड पावर के तौर पर दुनिया की वर्ल्ड इकोनमी में पाँचवें नंबर पे है स्टॉक मार्केट में चौथे नंबर पे है और आगे बढ़ रहा है वो भी हमें सारे का सारा एहसास हुआ फीलिंग मिली गली मोहल्लों से फीलिंग मिली और जय शंकर जी जिस तरह बातें करते हैं हर फोरम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह बातें करते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे भारत को जिस तरह दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स बार बार याद करते हैं चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो भारत से ये मुतालबा होता है कि जी यूक्रेन का साथ ज़रा दें तो इसका मतलब भारत की अहमियत है Uh, कि सब दुनिया चाह रही है वेस्टर्न वर्ल्ड ही ऑफ कोर्स अभी भी चाह रही है uh, उनका ही डोमिनेशन है दुनिया में तो इन तमाम हवालों से भारत को रिकोगनाइज़ किया जा रहा है चाहे हार्ड पावर हो चाहे सॉफ्ट सॉफ़्ट पावर हो अंबानी फैमिली की प्री वेडिंग के सिलसिला में जो कुछ हमने वहाँ पे देखा वो भी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक पावर की बातें हैं स्पिरिचुअल पावर की बातें हैं वेटिकन भारत का नया बन रहा है अयोध्या की शक्ल में तो ये सारी बातें बहुत पॉजिटिव हैं और मैं समप करते हुए इस मौजू पर यही कहूँगा कि हम हर साल जो जाते हैं और अभी हमने एक दिन पहले वापसी की है और जो कुछ हमने भारत में महसूस किया एज़ ए जर्नलिस्ट मैंने और आपने शेयर किया अपने व्यूर्स के साथ कि भारत हर मैदान में इंटरनेशनल स्टेज पे आगे से आगे जा रहा है चलिए स्लीपिंग सिटी कहा जाता था अयोध्या को जी, और जी, इस वक्त आप देखिए कि उसकी वाइब्रेशन उसकी जो रेनोवेशन और जो उसके अंदर बिजनेस आया है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है चलिए आप आते हैं पाकिस्तान की तरफ इन्हीं दिनों पाकिस्तान की नई सरकार बन गई है इस पर तबसरा कीजिए कि क्या पाकिस्तान की पी डी सरकार चल सकेगी देखिए पाकिस्तान की पी डी सरकार चल सके या ना चल सके इसको चलना तो होगा क्योंकि पाकिस्तान को चलना होगा जैसा तैसा देश भी है आफ्टर ऑल दुनिया की पाँचवीं बड़ी पापोलेशन का देश है और इकनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं टेररिज्म डायरेक्टली और इन पाकिस्तान के साथ काफ़ी लिंक्ड भी है और पाकिस्तान को इफेक्ट भी करती है अब पाकिस्तान में लगता यही है कि जैसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखते हैं आ, जो सीज़ फायर है वो काफ़ी सालों से चल रहा है तो डेट इंडिकेट्स के भाई अब पाकिस्तान पे इतना इंटरनेशनल दबाव भी है और इकनॉमिकल दबाव भी है कि पाकिस्तान उसको अब कंट्रोल में किए हुए है भारत के ख़िलाफ़ पहले प्रॉक्सी टेररिज्म होती थी अब एटलीस्ट बहुत कम हो गई है जो थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन होती है जम्मू कश्मीर में वही है अब इसके अलावा नहीं है तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ प्रॉक्सी टेररिज्म की कम हो गई है पाकिस्तान का हमेशा कहना रहा कि हम तो ख़ुद टेररिज्म के शिकार हैं अभी भी पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार है लेकिन वो भी पाकिस्तान का अपना ही लगाया हुआ पौधा है तो अब पाकिस्तान उससे भी निकल रहा है तो पी डी एम टू जो सरकार है उनको इन्हीं हालात में यानी इकनॉमिक हालात जैसे हैं इन्हीं में से आगे गुजरना है अब ये बुनियादी सवाल कि क्या ये सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी मैंने अभी कहा कि इसको चलना होगा उसका कारण ये है कि यह सरकार फ्रंट फेस है पाकिस्तान आर्मी का क्योंकि असल सरकार पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ही चला रही होती है हमेशा से ऐसा ही रहा है बहुत कम हुआ है कि सिविलियन सरकारों की कोई जो है बालादस्ती या उनकी जो जो होल्ड है उनका वो ज़रा आर्मी से बड़ा हो और वो भी अगर कहीं बड़ा कहीं बड़ा था माजी में आसफ़ जरदारी के ज़माने में या नवाज शरीफ की एक दो सरकारों के ज़माने में तो वो बड़ा ही शॉर्ट टाइम के लिए था आर्मी ने फिर उनको नीचे दबा दिया कि भई तुम बंदे के पुत्र बने रहो तो गोया इससे आप ये खस, हम ये खर्च कर सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार चलेगी अगर चलाना चाहेंगे तो सरकार नहीं चलेगी अगर नहीं चलाना चाहेंगे तो। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर पाकिस्तान आर्मी चाहेगी कि भाई इस सरकार को हमने खींचना है और आगे चलाना है तो वो ये सरकार चलेगी और इस पर भी डिपेंड है कि पाकिस्तान आर्मी को आईएमएफ से पैसा चाहिए दूसरे जो मालियाती इदारे हैं वर्ल्ड बैंक को एशियाई बैंक को वहाँ से भी अगर कुछ मिल सके तो बड़ी अच्छी बात है सऊदियों से कुछ मिल सके यूएई से कुछ मिल सके अमेरिका से कुछ मिल सके तो अगर पी डी एम टू की सरकार ये काम करती रहेगी तो आर्मी इनका साथ देती रहेगी तो इस हद तक ही पाकिस्तान का मामला है अब ये पीडीएम डी टू की सरकार के लोगों को और आर्मी को अल्टीमेटली सोचना है कि क्या इस फार्मूले के साथ पाकिस्तान को कब तक चलाया जा सकता है कोई थोड़ी बहुत वो अपनी फॉरेन पॉलिसियों को चेंज करके कोई पाकिस्तान की इकानमी को डायनामिक बनाना चाहेंगे पाकिस्तान के हालात को डायनामिक बनाना चाहेंगे क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत दबाव है चूँकि वो बहुत पॉपुलर जमात है पाकिस्तान की इसमें कोई शक वाली बात नहीं अभी इलेक्शन जो हुए हैं उसमें हमने देख लिया अगर जो उनकी सीटें कम आई हाँ हैं मगर बहरहाल उनकी पॉपुलैरिटी तो साबित हो गई और रेगिंग के बारे में भी कहा जा रहा है लेकिन ये बात तय है, है कि ये सरकार पी डी एम टू की तब तक चलेगी जब तक ये अपनी परफॉर्मेंस कर सकेंगी अभी आपने जिक्र किया तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की तो इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सुन्नी इतिहाद कौंसिल के नाम से पहुंच चुकी है और असम्बली में वो आज भी शोर मचा रहे हैं कि इनकी दो तहाई अक्सरियत वाले मैंडेट को चुरा लिया गया तो अब आप इस पर तबसरा कीजिए कि ये किस हद तक सच सही गलत क्या है ये देखिए उनका ये कहना कि उनके दो तिहाई मैंडेट को चुरा लिया गया इस पर तो मैं Uh, यहाँ कैनेडा में बैठे हुए कोई uh, अपने पास नंबर्स मेरे पास नहीं हैं वो जो पाकिस्तान में फॉर्म 45 फॉर्म 47 फॉर्म 49 की बात की जाती है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे ये फॉर्म लगाए थे सुना है, बाद में उन्होंने उतार दिए हैं क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो पोलिटिकल पार्टीज़ के पास फॉर्म्स हैं तो लगता है कि आठ फरवरी के इलेक्शन में रिगिंग या मेनूवरिंग uh, हुई है जो कि पाकिस्तान के, के आलमोस्ट हर इलेक्शन में होती है खुद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब सरकार 2018 में बनी थी वो भी मैनूवरिंग और रिगिंग के नतीजा में ही बनी थी वो भी इसी बरकत से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए थे दाँदली की बरकत से जो दाँधली वो आज कह रहे हैं तो जिस तरह इलेक्शन है, होते हैं इलेक्ट्रॉन है। सिस्टम है उसी तरह लेकिन यहाँ तो ये भी सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर वो आ भी उनको तो फिर एंड पे ये भी कहा गया कि आइए फिर हुकूमत कीजिए आखिर लोग तंग आए तो झगड़ा लोगों की मेमोरी भी शायद बहुत शॉर्ट होती है इस सिलसिले में कि पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए इसमें फेसेस के बदलने का तो ताल्लुक था ही नहीं गवर्नमेंट चलनी है या नहीं चलनी शायद इसका ज्यादा अहम काम था जी आपने अहम बात की इनके पास भी तहरीक जो अब सुन्नी इतिहाद कौंसिल के नाम से चूँकि इनका आ, पार्टी स्टेटस खो लिया गया था जी इनके इंटरा एलेक्शन की वजह से बहरहाल वो किसी दूसरी जमात के नाम से पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं गलबंद 90 प्लस सीट्स भी हैं उनके पास मगर इलेक्शन कमीशन ने उनको जो आ, होती है ना पाकिस्तान में ख़वान की लेडीज़ की नशस्तें वो नहीं दी चूँकि वह तहरीकानसाफ़ का मैं, इनके पास नहीं था मैंडेट्स उन्नीद कौंसिल का था तो चलिए नाइन्टी सीटें 90 प्लस सीटें इनके पास हैं सोनी इतहाद कौंसिल की सूरत में अगर उनको मिल भी जाता वो वाला स्टेटस के जी उनको खसूस नशस्तें मिल जाती तो उससे उनको शायद तीस पैंतीस और सीटें मिल जाती तो इससे उनको उनके पास शायद एक सौ पच्चीस तीस के करीब सीटें होती इंपॉर्टेंट नंबर है लेकिन उनके साथ इतिहाद करने को कोई भी तैयार नहीं अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठती तो तभी वो हुकूमत बना सकते थे पीपल्स पार्टी चूंकि तीसरी बड़ी जमात है अपनी जो उन्होंने सीट्स ली हैं तो पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर ना तो मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बना सकती थी और ना आ, सुनी रहात कौंसल या पाकिस्तान तहरीक साफ हुकूमत बना सकते थे तो पाकिस्तान इंसाफ ने भी ये कोशिश की है कि भाई चलिए हम अपोजीशन में बैठते हैं ये एक अच्छी बात है कि जाहिर जो भी डेमोक्रेसी होती है पूरी दुनिया में शोर तो लोग मचाते हैं शोर मचाना उनका हक होता है आ, मचाते नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसम्बली में बैठ गए हैं इंसाफ के लोग ये अच्छी बात है चोर मचाते रहेंगे एक दूसरे को चोर चोर कहते रहेंगे वो उनको घड़ी चोर कहते रहेंगे मुस्लिम लीग वाले ये उनको वैसे चोर चोर कहते रहेंगे ये सब चलता रहेगा लेकिन एक जो उनकी इंसाफ की जो अब लीडरशिप इसम्बली में नजर आ रही है बैरिस्टर गौहर ख़ान की सूरत में एक रीज़नेबल से आदमी है बातचीत वो करते हैं तो बहरहाल रीज़नेबल तरीक़ा होता है उनका बात करने का तो अब ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ Uh, को इस्टबलिशमेंट से कितनी सपोर्ट मिलती है चूँकि जिसने भी हकूमत बनानी थी वो इस्टबलिशमेंट की uh, मदद से ही बनानी थी इंसाफ अगर हुकूमत बनाना uh, चाहती और इस्टेबलिशमेंट उनके साथ होती तो उनकी हुकूमत बन जानी थी क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी ज़्यादा थी और फिर वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी वे उनके साथ मिल जाते इस्टबलिशमेंट अगर चाहती तो एम uh, क्यू एम वाले मिल जाते तो ये सरकार पाकिस्तान में हमेशा की सरकारों की तरह इस्टेब्लिशमेंट की सरकार है यानी आर्मी की सरकार है और देखते हैं कि अब पाकिस्तान को इंटरनेशनली कितनी मदद मिलती है अभी एक इम्पॉर्टेंट खबर आई है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गलबंद पाकिस्तान ने भारत के कुछ सौ से ज़्यादा वीज़े दिए हैं लोगों को कि जी आइए अपने हिंदू जो आपकी वहाँ पे मुकदस जगह हैं आप उनके द्वारा कीजिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये ख़बरों में दबी हुई बात है ये भी मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखी है आ, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको कंफर्म कर सकता आ, बड़े आ, मीडिया आउटलेट्स पे अगर ये खबर दुरुस्त है जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रही है तो आ, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है barriers, हाँ वो क्या है कि एक मैसेज है भारत क्योंकि ठीक है भले से हम कश्मीर का रट्टा भी लगाते रहेंगे हम टाँटा भी करते रहेंगे ये करना पड़ता है ये ओवर नाइट चीज़ें नहीं जाती लेकिन हम अब आपके साथ हालात को मैंड करना चाह रहे हैं आइए आप हमारे यहाँ आइए तो हमें भी जब आप महसूस करें अपने यहाँ बुलाइए तो इसमें टाइम लगेगा अगर ये वाकई ऐसा शुरू हो गया क्योंकि ये सब दौरे जो हैं अगर पाकिस्तान वीजे भारतीय भारतीयों को ओपनली देना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये है कि भारत के लिए अपनी बाहें खोलना शुरू कर रहा है कि जी ठीक है आप आइए और इसका मकसद क्या है कि आर्मी आर्मी की मदद मतलब के बगैर आर्मी की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता तो इसका पैगाम भारत को भी और पूरी दुनिया को ये है कि हम भारत के साथ बैठना चाहते हैं दोस्ती करना चाहते हैं और जो भारत की गिले शिकवे हैं हम धीरे धीरे उनको भी दूर कर देंगे ओपन है बाइलेक्ट्रल टॉक के लिए ओपन होने के लिए पहले माइंड खुलते हैं तभी ये सब कुछ पॉसिबल होता है तो अब है। देखते हैं आने दिनों में ये हालात किस तरह डेवलप डेवलप होते होते तरफ हैं, हैं। चलिए जी अब हम आते हैं यूएसए की तरफ ट्रंप के सुपर ट्यूजडे की जीत के हवाले से भी खबर सामने आई है कि निक्की हेली ने अपनी कैंपेन कैंसिल कर दी है अब ये बात क्लियर हो गई कि जुलाई कन्वेंशन में ट्रम्प ही सदर के कन्फर्म कैंडिडेट होंगे दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं कहीं ट्रंप को इलेक्शन लड़ने से रोक तो नहीं जा दिया जाएगा एन वक्त के ऊपर जी ये, ये बड़े मुश्किल सवाल हैं इसका इम्कान है कि सदर ट्रंप को मतलब कम इम्कान है लेकिन इम्कान है कि सदर ट्रंप को आ, किसी स्टेज पे जा के कहा जाए जब उनको लग रहा हो अमेरिका की डीप स्टेट को कि भई ये ट्रंप हमारे लिए चैलेंज है तो आ, हम इसको रोक दें लेकिन इसका कम चांस है उसकी दो तीन वजूहत हैं एक वजह तो ये है कि ट्रम्प बहुत पॉपुलर हैं अपने सपोर्टर्स के अंदर इस वक्त उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो सदर बाइडन से ज़्यादा है तो कोई भी अमेरिका के इदारे जुडिशरी बड़ी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट उसमें ऑलरेडी वैसे भी कंजर्वेटिव के जजेस मौजूद हैं तो मुझे इम्कान नहीं लगता यानी ज़्यादा इम्कान नहीं लगता कि ट्रम्प को रोक दिया जाएगा कम इम्कान है अच्छा दूसरा जो इसका फैक्टर है वो ये है कि अफोर्ड नहीं करेंगे अमरीकी इदारे इतनी बड़ी स्पोर्ट को क्रश करना तीसरा जो है ट्रम्प भी एक बार पहले प्रेजेंट रह चुके हैं वो भी डीप स्टेट के इशारों को समझते हैं मुझे कल की जो उनकी तकरीर थी रात की जो उनकी तकरीर थी आ, सुपर ट्यूसडे की आ, वो सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी लैंग्वेज ज़रा टोन डाउन हुई है ज़रा उनका रवैया नरम हुआ हुआ, हुआ है तो मुझे ये भी उम्मीद हुई अगर ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल आदमी किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं लेकिन उन्होंने भी अपने रवैये को लहजे को ज़रा हल्का रखा है लेकिन उन वो भी तो एक प्रोसेस में है बहरहाल प्रोसेस बहर में बहर है सीजन आदमी है सीजन हाँ। पॉलिटिशियन हो चुके हैं आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट रहे हैं ठीक है ना चार साल प्रेजिडेंट रहे हैं चार साल से वो मतलब अपनी कैंपेन चला रहे हैं तो आठ साल उनका ये प्रोसेस उससे पहले वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं इतनी बड़ी अमेरिका की पर्सनालिटी हैं तो ट्रम्प एक सीजनड आदमी है और बहरहाल ये इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है दो बाबों के दरमियान इलेक्शन है ट्रम्प और बाइडन मीडिया शोर शोर रहा है। रहा है। और मुख्तलिफ हवालों से बहस है जैसे लोग मुतमिन नहीं है लेकिन जाहिर है बैड चॉइसेस तो आपको करनी है, हाँ, मतलब आप भी नहीं है ना। हाँ, तो चलिए अब आते हैं जो बाइडन भी सुपर ट्यूजडे के मौके पर अपनी पार्टी का एतम हासिल करने में कामयाब हुए हैं ये सुपर ट्यूजडे जो है ना ये लॉटरी के उस, हाँ, उस उसी तरह उनकी।, उनकी पार्टी के अंदर उनकी उम्र के हवाले से भी चय हुई है ये एक बहुत बड़ा इशू है अराउंड द वर्ल्ड जो बाइडेन का मुस्तबिल आपको कैसा नजर आता है नीस जो बाइडेन ने एक बार फिर कहा है कि ट्रंप से जमूरीत को खतरा है आप इन दो बातों को कैसे देखते हैं देखिए जो बाइडेन की उम्र एटी वन ईयर्स है ट्रंप साहब की उम्र सेवनटी सेवन ईयर्स है जो बाइडेन बहुत सीजन पॉलिटिशियन है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है उनकी पॉलिसियों से आ, कोई एग्री करे ना करे वो एक अलग मामला है आ, उनका ट्रम्प से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल दुनिया को डील करने का भी और आ, पॉलिटिक्स में आ, जो उनका एक्सपीरियंस है वो फोर्टी प्लस ईयर्स का है तो जो बाइडेन इसमें कोई शक वाली बात नहीं दिख भी रहा है कि चार साल बड़े होने के नाते आ, उनके रेफ्लेक्सेस उतने शार्प नहीं हैं जितने होने चाहिए वो अगरचे दौड़ते हैं स्टेज पे साबित करने के लिए कि मैं आज भी दौड़ सकता हूँ लेकिन वो बेचारे याददाश्त भी कहीं ना कहीं उनकी खो जाती है उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर हम जिंदा रहे तो इस उम्र तक शायद हमारा हाल इससे ज़्यादा चैलेंजिंग हो क्योंकि ये लोग तो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं तो सदर ट्रम्प भी सेवेंटी सेवन ईयर्स के हैं चार साल छोटे हैं लेकिन अभी सदर ट्रम्प का जो स्टेट ऑफ माइंड है रिफ्लैक्सिस uh, की हद हाँ तक वो ट्रम्प से बेहतर लगता है जाहिर है मतलब जब आप उम्र के स्टेज पे होते हैं वहाँ पे एक दो साल बहुत मैटर करते हैं मेरा ख्याल है इसमें पैशनेट होना भी बहुत मैटर पैशनेट तो हर हाँ दोनों बहुत हैं दोनों बहुत पैशनेट है इसमें कोई शक वाली बात नहीं इसमें मेरी राय में उम्र का ही मामला है तो अब यह है कि कहा जा रहा है कि जो बाइडन के अभी को मेडिकल टेस्ट भी हुए हैं उनकी पार्टी के अंदर भी कंसर्नस हैं अभी बराक ओबामा की जो बेगम है मिशेल ओबामा उन्होंने अपने एक व्लाग में कहा है कि भई अमेरिका को एक ज़्यादा एक्टिव सदर की ज़रूरत है कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही है तो इशारा है उनका भी कि वो बहुत सपोर्टर हैं जो बाइडन की ज़ाहिर उनकी पार्टी से हैं उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टर हैं उनके हस्बैंड के ज़माने में जो बाइडन आठ साल वाइस प्रेसिडेंट रहे थे तो इसकी तरफ लोग ये सोच रहे हैं इस बात के बाद कि क्या मिशेल ओबामा जंप इन करना चाहती हैं अच्छा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कामला हैरिस, वो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी प्रेसिडेंट शिप की उम्मीदवार हो सकती हैं अगर इलेक्शन के समय तक आते आते जो बाइडेन की नीयत बदल जाए वो कहें कि हाँ अब मुझे मुश्किल लग रहा है इलेक्शन लड़ना तो फिर ज़ाहिर है कमला हरस ही होगी सकेंड ऑप्शन मिशेल ओबामा भी हो सकती हैं इस बात का भी इम्कान है आ, कुछ पोल्स तो हिलरी क्लिंटन का नाम भी ले रहे हैं मेरा नहीं ख्याल वो अब जंप इन करेंगी दो बार वो पहले जंप इन कर चुकी हैं और आ, आ, वो तो ओबामा के ख़िलाफ़ कैंडिडेट भी थी आ, हार गई थी कैंडिडेट्स को तो सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जहाँ सदर ट्रम्प के लिए ये ख़तरा है कि वो कहीं उनको कहीं कोई बड़ी अदालत इलेक्शन लड़ने से ना रोक दे जिसका बहुत कम खतरा है वहाँ ये ख़तरा है जो बाइडन के लिए उनकी पार्टी के अंदर से कि कहीं इलेक्शन के समय तक पहुँचते पहुँचते अगर उन्होंने खुद महसूस किया या पार्टी ने महसूस किया तो कोई सेकंड ऑप्शन को आगे किया जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा मुझे लगता है कि अगला इलेक्शन भी इन्हीं दो बाबों के दरमियान होगा और अगले जो चार साल हैं अमेरिका के वो वन ऑफ दोज टू बाबास

चलिए जी आखिर में हम इन्हीं दो मौजूद पे आपकी राय लेंगे जिस जिसपे पूरी दुनिया का मीडिया कर रहा है मेरी मुराद है हमास हमास की 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 जंग 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 और रूस यूक्रेन पहले हमास की जंग के हवाले से ताज़ा पर तबसरा कीजिए देखिए हमास हमासराइल की जंग की जो ताज़ा सूरत हाल है वो वैसे फ्रेंकली कोई ताजा नहीं है सात अक्टूबर से जो मामला शुरू हुआ था हमास की टेरिज्म के बाद वो एज इट इज चल रहा है इसराइल का मुतालबा है कि हमारे वो हॉस्टेज जो रह गए हैं वो वापस करें फिर हम सीज़ फायर की कोई बात करेंगे ये बात कोई दो महीनों से चल रही है इसी तरह बल्कि सात अक्टूबर से ही चल रही है और हमास से इसराइल का मसला सात अक्टूबर से तो है ही है ये वैसे कई सालों से इसी तरह चल रहा है लेकिन अब बहुत गंभीर है अब लगता ताज़ा बहुत ही ताज़ा अगर सूरत हाल में कहूँ तो वो यूँ लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो कहीं पीछे बैठे हुए हैं जैसे कतर है अमेरिका है अमेरिका के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं टोनी ब्लिंकन उन्होंने तो कई दौरे किए हैं मिडल ईस्ट के इस दौरान में और फिर जॉर्डन है सऊदी अरब है यूएई है तो ये जो स्टेट एक्टर्स हैं उस रीजन के और उस रीजन के बाहर यूरोपियन यूनियन है तो ये मुसलसल वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्होंने अपने जो है ना सर घुसेड़े हुए हैं सभी स्टेक होल्डर्स हैं लेकिन मामला मुझे ये लगता है ताज़ा तवजी सूरत हाल में कि कोई ना कोई बैकडोर बातचीत हमास की इनके साथ चल रही है यू, आ, जो यमन के हुती थे वो भी आ, पेशरे दोनों बहुत एक्टिव थे वो भी ज़रा कम एक्टिव हुए हैं लगता है कि उनको भी बैकडोर समझाया गया है कि भाई ज़रा ए, तुम लोग भी अपने कायदे कानून के मुताबिक आओ चाहे वो पूरी तरह रुके नहीं हैं वो अभी भी थोड़ी बहुत बद, बदमाशियाँ रेड सी में कर रहे हैं लेकिन ज़रा उनका मामला भी कम हुआ फिर ईरान की जो इन्वॉलमेंट है फ्रेंकली प्रैक्टिकली इस जंग में कोई बहुत डायरेक्ट नहीं है आ, वो इनडायरेक्ट पुराना जो है उस वजह से अगर ईरान की डायरेक्ट इन्वॉलमेंट हो जाती तो वो भी आ, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होनी थी वो इसलिए नहीं हुई कि ईरान के कुछ बेहतर तल्लक हैं हुए हैं सऊदी अरब के साथ और तो ये जो पूरे का पूरा नया जी, ये जो शुरू किया टेररिज्म का मामला हमास ने ए, हाँ, हमास का ये टेररिज्म करने का बड़ा मकसद मुझे आज भी यही समझ आता है कि वो सऊदी अरब को इसराइल के साथ बैठने नहीं देना चाहते थे इस वजह से इतनी तबाही हुई इतने हज़ारों लोग फ़लस्तनी भी मारे गए इसराइली भी मारे गए और ये जो हमास की टेररिज्म और माइंड है इसने ये बर्बादी की है द मेन रीज़न और अब ये है कि बीच में लोग पड़े हुए नज़र आ रहे हैं Uh, और अब यही ताज़ा सूरत हाल है कि वो जो लोग पड़े हुए हैं इतने ज़्यादा जैसे यूरोपियन यूनियन है कतर है सऊदी अरब है यूएई है अमेरिका है जॉर्डन है इजिप्ट है का हाँ ये जो इम्पोर्टेंट मैं ये जो नाम ले रहा हूँ तो ये ये सारे के सारे लोग हैं तो इस सारी सूरत हाल में अब इस मामले को कहीं ना कहीं तो सेटल होना है इतनी बर्बादी के बाद चलिए अब आ जाते हैं रूस यूक्रेन की जंग की ताज़ा सूरत हाल की तरफ यूक्रेन के सदर ने सऊदी अरब में भी सऊदी अरब का भी हाल ही में दौरा किया इस बारे में आप राय दीजिए रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो दर हकीकत रूस और मगरबी दुनिया की जंग है रूस वेस्टर्न वर्ल्ड अमेरिका कैनेडा इनकी जंग है यूक्रेन तो बस आगे वो एक है ना फ्रंट फ्रंट फेस, फ्रंट फेस है तो इसमें भी जो ताज़ा सूरत हाल ये है कि मगरबी दुनिया को अंदाजा हो गया कि भाई रूस इस दो सालों में इनका ख्याल था कि हम उसको पीछे धकेल देंगे नहीं धकेल सक वेस्टर्न वर्ल्ड का ख्याल था कि रूस पे हम इतनी सेंक्शनस लगाएंगे कि रूस की इकानमी बर्बाद हो जाएगी वो इकानमी बर्बाद होने के बजाय वो फ्लरिश कर गई जिसको हम कहावत कहते हैं ना धूनी देंगे हाँ लेकिन वो नहीं चली ना धूनी नहीं चली उनकी वो अब ये है कि रूस का तेल और जो एनर्जी है वो वेस्टर्न वर्ल्ड इनडायरेक्टली ख़रीदता रहा इधर उधर से इंडिया से इधर उधर से खरीदता रहा चूंकि उन उनका निज़ाम ही नहीं चल सकता अच्छा तो एक तो वो सिर्फ एनर्जी का मामला नहीं है या वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडिया से थोड़ी बहुत एनर्जी खरीदने का मामला नहीं है वो तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग थी असल मामला रूस का जो चीन के साथ शराकत आ रही हुई है यानी रूस को वेस्टर्न वर्ल्ड ने नाराज़ करके चीन की झोली में डाल दी और चीन जितना मर्जी इकोनॉमिक एक, उनके इस क्राइसिस चल रहा है आफ्टर ऑल दुनिया की सेकंड बड़ी इकॉनमी है इतना बड़ा देश है उन्होंने अपने मुल्क की फैक्ट्रियां चलानी है अपने मुल्क का निज़ाम चलाना है तो उनको एनर्जी सबसे ज़्यादा दुनिया में चाहिए सबसे ज़्यादा दुनिया में एनर्जी की कंजम्पन जो है चीन में हो रही तो वो ज़ाहिर रूस से ले रहा रूस की इकानमी बूम कर रही है अब ये हुआ कि यूक्रेन को जो इन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने दिए वो सारे के सारे ख़त्म हो गए आ, और अब यह है कि वो यूक्रेन पीछे को जा रहा है और रूस जो इलाके है उस उन्होंने यूक्रेन के अपने कब्जे में लिए थे वो दोबारा से कब्ज़े में वापस ले रहा है जो यूक्रेन ने वापस भी लिए थे तो यूक्रेन की पिसपाई हो रही है तो वेस्टर्न वर्ल्ड को भी अब ये अंदाजा हो रहा है कि भाई ये अब ये इस तरह तो आगे नहीं चलेगा तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी फंस गई है सिर्फ रूस इसमें नहीं फंसा हुआ यूक्रेन तो बुरी तरह फंसा ही हुआ है अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी फंस गई है कि भाई अब कैसे रूस को हैंडल करें और रूस के लिए भी मसला है क्रिटिकल सिचुएशन हाँ रूस के लिए भी मसला है आसान नहीं है मुझे लगता है कि ये जो अभी ख़ास तौर पर जो आपने इशारा दिया आ, जो यूक्रेन के सदर का सऊदी अरब का दौरा था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले सऊदी अरब का दौरा रेड कारपेटेड था व्लादिमिर पुतिन का भी सऊदी अरब के बहुत अच्छे तल्लक हैं अमेरिका के साथ भी मोहम्मद बिन सलमान जो है बड़े स्मार्ट आदमी हैं वो अमेरिका के साथ भी चलते हैं यूरोप के साथ भी चलते हैं हाँ लेकिन वो इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई देखो हम अपनी इंडिपेंडेंट सोच भी रखते हैं जहाँ कहीं सदर बाइडन ने उनको धमकियाँ वमकियाँ दी थी कोई दो तीन साल पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन उनके साथ फिर वो जैसे कहते हैं ना हमारे एक्सप्रेशन में देसी एक्सप्रेशन उनके साथ बहुत डाडी की साफ़ सुथरी उनकी तबीयत कर दी कि मोहम्मद बिन सलमान के उस ट्रीटमेंट के बाद जो बाइडन भी अपनी औकात में आ गए उनको भी पता चला कि मैं उनको डरा धमका नहीं सकता तो अब यह है कि सऊदी अरब यूएई ये दो ऐसे मुल्क हैं जो दुनिया में मीडिएटर के तौर पर इंटरनेशनल मीडिएटर के तौर पर सामने आ चुके हैं और मेरा ख़्याल है कि जो सदर विलंस्की का दौरा है सऊदी फरमा रवा से जो मिले हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट था तो वो सऊदी उनको ये बता रहे हैं कि भाई आप भी थोड़े से कैंडे में रहें रूस से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी है इस वक्त वो सऊदी अरब और यूएई कर रहे हैं रूस और वेस्ट के बीच में चलिए आखिर में थोड़ा सा तवसरा इस सवाल से भी कि हाल ही में इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के साथ टोरंटो में हमास के सपोर्टर्स के प्रोटेस्ट की वजह से कैंसिल हो गई जी इस पर तवसरा कीजिए जी ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी यहां पे आई हुई थी कनाडा में और प्राइम मिनिस्टर टूडो से मिली जो हमने मीडिया में पढ़ा बड़ी अच्छी उनकी पहली मुलाकात रही फिर इनकी एक रिसेप्शन थी प्राइम मिनिस्टर टूडो ने की हुई थी टोरंटो में गलबन आर्ट्स एकेडमी में तो वहाँ बाहर कोई चार पाँच सौ हमास के सपोर्टर पहुँच गए और उन्होंने एंट्री बैन कर दी और वो कैंसिल हो गई तो ये बड़ी एक मैं समझता तो हूँ हरा यानी शर्मनाक बात है कनाडा के लिए कि हमारी सिक्योरिटी इतनी वीक है कि हम चार पाँच सौ लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हम उनको उस मेन वेन्यू से दूर नहीं रख सकें कि वो हमारी जो दो बड़े देशों की जो है सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन गए हैं Uh, उनको भी सोच सोचना चाहिए था कि भई ऑल इस तरह की हरकतों से वो क्या अचीव करना चाहते हैं मगर मतलब प्राइम मिनिस्टर टूडो एक वीक प्राइम मिनिस्टर हैं हर एतबार से ना उनका ओपिनियन कोई स्ट्रॉग होता है लेकिन वो वह चलाक पॉलिटिशन भी हैं लेकिन देखिए जी सेवन की गालबन इसी साल मीटिंग हो रही है इटली में तो इटली इत, तो की प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी कैनाडा भी जी सेवन का हिस्सा है इटली भी जी सेवन का हिस्सा है अब गलबा उसके बाद जो है 2025 में हम कनाडा वाले होस्ट कर रहे हैं जी सेवन की कॉन्फ्रेंस को या समिट को तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये एक वीकनेस है कनाडा की तरफ से कि इनकी सिक्योरिटी इतनी वीक रही कि ये उन स्पोर्टर्स को उन हमास के जो हामी लोग हैं यहाँ पे उनको उस वेन्यू से कोई 500 सौ एक पाँच सौ मीटर या एक किलोमीटर के पर परे नहीं रख सके वो वैनियों के एन ऊपर सर पे के खड़े हो गए गेट पर उन्होंने एक तरह से दावा बोल दिया कब्ज़ा कर लिया तो कैनेडा की पुलिस भी आर सी एम पी आई मीन टोरोंटो की पुलिस भी और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की अपनी जो सिक्योरिटी टीम होती है वो इतनी वीक साबित हुई कि ये इवेंट ना हो सका तो ये एक शर्मनाक बात ये है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सिस्टम को चैलेंज है ना जी की हम इतना छोटा सा अगर ग्रुप आके इतना बड़ा कर सकता है तो वी शुड थिंक अबाउट आर सिक्योरिटीज ठीक है कि हम अगर 400-500 लोग थिंक हमारे पूरे कैनेडा के निजाम को डिस्ट्रेप्ट कर सकते हैं तो फिर कनाडा का खुदा ही हाफज है आज का बिला तकल्फ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इसी चैनल पर डोनेट के बटन को दबाकर पेपॉल पेट्री या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.